नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। आपको बताते चले कि देश में आज 21 लाख से ऊपर कोरोना के मामले हो चुके हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जहां 1000 के प्रति व्यक्ति मौत का आंकड़ा भी सामने आ रहा है, वहीं बात जम्मू कश्मीर की जाए तो आपको जिला कठुआ की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसके लिए प्रशासन की कितनी सतर्कता है क्या आम आदमी के लिए। मैं आपको इन तस्वीरें दिखाना चाहूँगा मुख्य बाज़ार की, जहाँ पर ये मुख्य बाज़ार खुला हुआ है। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि दो गज की दूरी बनाए रखें, बार बार अपील करने के बाद भी जो तस्वीरें देश के सामने आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जबकि मौतों का आंकड़ा तो ऑलरेडी रोजाना बढ़ रहा है, लेकिन आपको बता दूँ कि मैं लोगों से बात भी करूँगा और जानने का प्रयास करूँगा कि हमारा जिला प्रशासन कितना सतर्क है लोगों की ज़िंदगी के साथ, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक सवाल प्रशासन पर खड़ा होता है कि क्या वाकई में ही प्रशासन आम जनता के प्रति संवेदनशील है ताकि लोग इस महामारी से बच सकें। जबकि इस तस्वीरों को देखकर ऐसा नहीं लगता है। आइए शहरवासियों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वाकई में जिला प्रशासन लोगों के प्रति सतर्कता बरत रहा है। तो चलिए बात करते हैं आम जनता से, क्या कहती है जनता। देखिए जी, जिला प्रशासन तो अपनी तरफ से कोशिश जो है वो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आम जनता को भी अपना ये देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। तो इसके लिए शुरू से ही सरकार भी काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये लोगों के ही हाथ है कि इसको हम कैसे अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं। कम से कम बाज़ार आएँ, जितनी ज़रूरत पड़े उतने ही आएँ और देखें कि ज़्यादा रश ना पड़े। आम नागरिक शहरवासी जो कह रहे हैं कि लोगों को भी सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि अपनी जान जोखिम में ना डालकर काम हो तो ही बाज़ार आएँ। तो चलिए और भी लोगों से बात करेंगे, क्योंकि आम जन की राय जानना जरूरी है कि क्या वाकई में जिला प्रशासन जो प्रशासन है वो सतर्क है आम जनता के प्रति। जिस तरह से भीड़ भाड़ हो रही है और लोग बाहर निकल रहे हैं, तो चलिए बात करते हैं और लोगों से भी। तो चलिए बात करते हैं एक बार फिर, देखा जा रहा है जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, चाहे वो देश में हो चाहे जिला कठुआ में है, तो इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस समय शहरवासी हैं, कहते हैं सर ये बताइए कि जिस तरह से ये माहौल जो बन रहा है जिला कठुआ में, देखा जा रहा है कि मुख्य बाज़ार की हालत जो तस्वीरें हैं वो एक अलग तरीके की हैं, तो क्या कहना चाहते हैं कि किसकी ज़्यादा गलती है, प्रशासन की या आम लोगों की? सबसे पहले शुक्रिया आपका, आप हमारे पास आए। देखो जो सामने कोर्ट है, इधर रश इतना है, इधर कैमरा लगाया जाए, कितना रश है इधर। इस रश में मैं लोगों से, आवाम से यही अपील करना चाहता हूँ, जो भी दुकानदार भाई हैं सोशल डिस्टेंस का पालन करें, दुकान पे सैनिटाइजर रखें, अगर ग्राहक ज़्यादा है तो उनको बाहर इंतजार करवाएं उनका। बाकी जैसे शाम को 5 बजते हैं तो रश बाज़ार में इतना पड़ जाता है, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक इतना रश पड़ जाता है, लोग भूल जाते हैं सोशल डिस्टेंस का क्या पालन करना है। तो इसलिए प्रशासन को भी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि 5 बजे से दुकानें बंद करने से कोई ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दुकानें का टाइम तो 7 बजे तक होना चाहिए मेरे हिसाब से, उस कारण रश भी कम पड़ेगा और लोग भी आराम से सामान खरीद सकेंगे। जैसे ही 4 बजते हैं तो बाज़ार देखो पूरा रश हो जाता है। तो पहले तो जुर्माना करते थे मास्क के बगैर, आजकल वो भी नहीं है। लोग मैं देखता हूँ 3-3 बच्चे बैठे हैं बगैर मास्क के जा रहे हैं बाज़ार में, कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं है। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ, इस महामारी से बचने के लिए आपको खुद अपने आप को अवेयर होना चाहिए। से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है कि इसका जिम्मेवार असली कौन है, प्रशासन है कि आम जनता है? देखो प्रशासन ने तो एडवाइस जारी कर दी है, आम जनता को खुद ही प्रिपेयर होना चाहिए। इसके लिए आवाम खुद भी जिम्मेवार है, क्योंकि जब हम अपनी रक्षा खुद नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या राय दे सकते हैं। इसलिए सभी को, भाइयों बहनों को, छोटे बच्चों को, मास्क लगाकर बाहर निकलो, कोई ज़रूरी काम है तभी बाज़ार निकलो, ऐसे सैर सपाटे के लिए बाज़ार मत निकलो। जय हिंद, जय भारत। यह है लोगों की राय कि लोगों को खुद भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वह घर से मास्क पहनकर निकलें और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। हालांकि प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है कि शाम को जिस तरह से बाज़ार में रश पड़ जाता है उसे कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए अपने अधिकारियों को लगाएं, अपने कर्मचारियों को लगाएं, ताकि लोगों को समझाएं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित ना हो,
लेकिन लगता है कि जिला कठुआ में जिला प्रशासन ऐसा लगता है कि मानो सोया हुआ है। ताकि तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूँ शहर के मुख्य बाजार की, जहाँ पर हालात किस तरह से बदतर हैं। आम जनता भी इस महामारी से लगातार त्रस्त है, क्योंकि प्रशासन और सरकार ये भूल चुकी है कि कोई महामारी भी इस देश में आई है, जिसके लिए लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ये बड़ा सवाल है, और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम और भी लोगों से बात करेंगे कि लोगों का क्या कहना है। आप देख सकते हैं कि दुकान के बाहर दुकानदार खुद अवेयर हैं कि उन्होंने वेयर मास्क एंड कीप डिस्टेंस का एक छोटा सा लगाया, ताकि लोगों को समझा सके कि दुकान के अंदर बिना मास्क के इंटर ना करें और डिस्टेंस बनाए रखें। लेकिन लगता है कि लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि बीमारी जो महामारी है वो बड़ी है और नुकसानदेह है। इसी को लेकर आम जनता से हम बात कर रहे हैं, और भी लोगों से बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि शहर की क्या इस समय परिस्थिति है, ताकि लोग अवेयर हो सकें अपने प्रति, अपनी जान के प्रति। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें आप साफ देख सकते हैं कि चौपहिया वाहन जो हैं उनमें बैठे लोग भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, जिसे लेकर सरकारी निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बड़ा सवाल उठता है कि इसका जिम्मेवार कौन है और क्यों? क्या प्रशासन सो चुका है? क्या सुरक्षा व्यवस्था सो चुकी है? क्या लोगों की जान की परवाह सुरक्षा व्यवस्था और जिला प्रशासन को नहीं है? जिसे लेकर आप साफ तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग बिना मास्क सड़कों पर हैं और गाड़ियों में बैठे हुए हैं, जिसे लेकर लगातार प्रशासन की ओर से कहा जाता है कि लोग मास्क पहने, लेकिन मास्क पहनाएगा कौन, इसकी जानकारी देगा कौन? ये बड़ा सवाल है, और लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार भी बात करेंगे, आगे भी हम बात करेंगे। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि दो पहिए वाहन पर भी कुछ युवा बिना मास्क के लोग निकल रहे हैं, घरों से बाजारों में घूम रहे हैं, किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिख रही है। हालांकि थोड़े दिन पहले देखा गया था कि शहर से लेकर गाँव तक लोगों के चालान काटे गए थे बिना मास्क के, लेकिन अब तस्वीरें कुछ बदली सी नज़र आ रही हैं, जिसे शायद प्रशासन पर सवाल खड़ा करना लाजिम है। तो आपको हम तस्वीरें इस समय बाजार की दिखा रहे हैं, जहां पर लोग निकल रहे हैं बेपरवाह होकर, अपनी ज़िंदगी से बेपरवाह होकर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बिना मास्क के लोग किस तरह से सड़कों पर हैं, किसी को अपनी जान की परवाह नहीं है। तो बड़ी बात है कि कहाँ है सुरक्षा व्यवस्था जो अक्सर चालान काटती है, अब कहाँ सो गया है वो प्रशासन, जिसको लेकर बड़ी बात कही जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ, हम मुख्य बाजार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हर आने जाने वाले राहगीर को आप देख सकते हैं ध्यान से, और आगे की तस्वीरें मैं अगर दिखाना चाहूँगा तो काफ़ी भीड़ है, और भीड़ का नज़ारा भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि तस्वीरें कुछ और दिखा रही हैं, शहर की तस्वीरें जो हैं वो आप देख, कितनी भीड़ है आप देख सकते हैं। ये गुरुद्वारा चौक भी है और मुखर्जी चौक भी कहा जाता है इसको। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना जो है वो एक डिफरेंस है कि कितना रश पड़ा हुआ है। हालांकि 5 बजे से ऊपर समय हो चुका है, उससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, तस्वीरें बदली सी नज़र आ रही हैं। क्या प्रशासन लोगों की जान की परवाह नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो फिर इस तरह की तस्वीरें सामने क्यों आ रही हैं? ये बड़ा सवाल है, हम लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं और अब तक ये बात पहुँचाएंगे। हमारा प्रयास है कि लोग जिस तरह से बिना जानकारी के, बिना मास्क के सड़कों पर हैं, बिना जान की परवाह के सड़कों पर हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ये बड़ा सवाल उठता है प्रशासन पर, सुरक्षा व्यवस्था पर, जिसके लिए लगातार प्रशासन की सतर्कता की बात की जाती है, लेकिन यहाँ प्रशासन की कोई सतर्कता नहीं दिख रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग बिना परवाह, अपनी जान के परवाह के चल रहे हैं। बड़ी बात है, बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक वैक्सीन पहुँची नहीं। हालाँकि बात की जा रही थी कि 12 तारीख को वैक्सीन पहुंच जाएगी, लेकिन उसके लिए भी एक सिस्टम रहेगा कि पहले डॉक्टर्स, टीचर्स जो लोग ड्यूटीज़ कर रहे थे उन तक पहुंचेगी, उसके बाद आम जनता तक ये वैक्सीन पहुंचेगी। लेकिन उसके लिए अभी काफ़ी समय है, जिसके लिए सरकार और प्रशासन को आम जनता की जान की परवाह करनी चाहिए और खुद आगे आकर लोगों को समझाना चाहिए, ताकि लोग अपनी जान ना गंवा सकें और ज़रूरत ना पड़े कि जिला हॉस्पिटल में बेडों की जरूरत पड़ जाए, जो सैम वो कम पड़ जाएँ। इसके लिए प्रशासन को सतर्क रहना पड़ेगा, लोगों की जान की परवाह करनी पड़ेगी, लोगों को भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि कोरोना महामारी से अगर बचना है तो 2 गज की दूरी, साथ में मास्क पहनना जरूरी है, जिसके लिए लगातार सरकार ने अपने निर्देश जारी किए हैं। तो ये तस्वीरें इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि एक तस्वीरें जो शहर की लगातार बदली सी नज़र आ रही हैं कुछ दिनों से, ये 2-4 दिनों से नज़र आ रही हैं, इसके लेकर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या प्रशासन अब
लोगों की जान की परवाह नहीं कर रहा है, बड़ा सवाल है। आप सीधा समय सबका जम्मू कश्मीर से ये कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि लोग बिना जान की परवाह किए बिना मास्क के सड़कों पर निकले हुए हैं, और खासकर हम आपको तस्वीरें जो गाड़ियों की दिखा रहे हैं, गाड़ियों में लोग इसलिए बैठे होते हैं क्योंकि मास्क, बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनना जरूरी है, घर में भी रहकर मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन लोग देख रहे हैं कि हम अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, मास्क की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या ट्रैफिक व्यवस्था जिस तरह से हर चौक पर खड़ी है, पुलिस कर्मचारी खड़े हैं, क्या लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं या लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये भी एक सवाल है जिसके लिए बात की जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि भीड़ भाड़ काफ़ी हो चुकी है, लोग बिना अपनी जान की परवाह किए लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे मानो कि देश नहीं पूरे विश्व से महामारी का दौर खत्म हो चुका है। लोग बिना अपनी जान के ऐसे घूम रहे हैं जैसे, हालांकि बड़ा सवाल जो है वो सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन पर खड़ा होता है कि क्या प्रशासन कुछ दिन पहले जो मास्क के चालान काट रहा था, लोगों की डिस्टेंस को लेकर चालान काट रहा था, क्या वो प्रशासन सोच चुका है? अगर सोच चुका है तो फिर जनता कहाँ जाएगी, किसके भरोसे जनता अपनी जान को सुरक्षित रखेगी? हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह का माहौल शहर कठुआ में बन चुका है उसको लेकर कौन जिम्मेवार है, प्रशासन की आम जनता? क्या प्रशासन लोगों को समझा नहीं पा रहा है या लोग समझ नहीं पा रहे हैं? तो मेरे साथ एक युवा है शहर के, तो बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं शहर की, कुछ बदली बदली सी तस्वीरें हैं, क्या लगता है कि शहर में प्रशासन की भी जिम्मेवारी है या लोगों की ही सिर्फ जिम्मेवारी है कि लोग सोशल डिस्टेंस बना के जाके जाएं, अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहा है? ये तस्वीरें कुछ ऐसा दिखा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो, मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट और प्रशासन ने जो हमें समझाना था वो समझा दिया, उन्होंने बता दिया कि कोरोना से आप कैसे बच सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज यूज़ करें और गैप हमेशा रश में ना जाएं। अब लोगों को समझना है कि उनको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है कि नहीं रखना, लोगों का तो फर्ज बनता ही है। गवर्नमेंट हमें सिर्फ एक प्रोटोकॉल दे सकती है कि आपको ऐसे फॉलो करना है, तो उसका जो है वो पालन तो लोगों ने ही करना है। मैं सोचता हूँ कि लोगों की ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है इस चीज़ को कि वो रश वाले इलाके में कम जाएं, और जिस भी शॉप पे अगर कहीं जा रहे हैं, अगर देख रहे हैं अंदर कस्टमर हैं तो बाहर वेट करें, ऐसा ना हो कि सारे अंदर ही जा रहे हैं, अंदर 20-30 बंदे हो जाएं, एक एक करके अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने तरीके से थोड़ा हिसाब देखे, जैसे लोगों का आवाजाही जो है वो मार्केट में ज़्यादा हो रही है तो वो एक टाइप से वहाँ का रोड थोड़ा बंद कर सकती है कि वहाँ से आना जाना थोड़ा कम कर दे, कि जब तक वो रश ख़त्म ना हो जाए तब तक वो दूसरी जो है वो लोग इंटर ना करें। प्रोटोकॉल तो फॉलो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने हमें बता दिया है कि आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है पड़ेगा, तभी आप कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं। तो इससे बेटर है कि लोग आप खुद समझदार हों और थोड़ा सा प्रशासन को भी इसकी जिम्मेवारी संभालनी चाहिए थोड़ी सी। नहीं, देख, एक चीज़ देखी जा रही थी कि लगातार पिछले दिनों जिस तरह से मास्क ना पहनने वालों के चालान काटे जा रहे थे तो उसको रोका गया, तो क्या लगता है कि इस चीज़ को दोबारा शुरू करना चाहिए ताकि लोग अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर सके और अपनी जान बचा सके? जिस तरह से माहौल बना हुआ है, 21 लाख से ऊपर लोग जो हैं वो इससे संक्रमित हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि प्रशासन को इस तरह की सतर्कता फिर से दिखानी चाहिए ताकि लोग समझ सकें? देखो, प्रशासन ने अब चालान के लिए, मास्क के लिए जो चालान काटे उससे लोगों में थोड़ा सा खौफ आया था, उन्होंने सब जो लोग थे वो मास्क डाल के जाना शुरू हो गए। कई लोग हैं जो ना समझ हैं, जो जिनको समय नहीं है इस बीमारी के बारे में, वो करते हैं ऐसी हरकतें, प्रशासन को और कड़े कदम लेने चाहिए। चालान काटने हैं लेकिन ऐसे काटें कि कोई भी बंदा उससे बच ना सके। मार्केट में, अगर मार्केट में लगाएं, सीधी चौक में लगाएं, बिना मास्क वाले को चालान काटें उसका। और साथ में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जैसे सिटी में त्यौहार जब पास आते हैं तो इस हिसाब से सेटिंग की जाए कि सारा रश बाज़ार में ना हो, कुछ घंटे के लिए। जैसे आपको त्यौहार पास है, इन्होंने बंद कर दिया रोड, त्यौहार के पास आने में ऐसे कर सकते हैं 4 घंटे वो वाला एरिया दे दें, 4 घंटे सीधी वो दे दें, 4 घंटे ये दे दें, उससे रश नहीं बढ़ेगा फिर। तो ये थे मेरे साथ शहर के युवा, जिन्होंने बड़ा अच्छा एक सुझाव दिया कि जिला प्रशासन अगर लोगों को बचाना चाहता है तो 4-4 घंटे का समय देकर कुछ एरियाज खोल सकता है ताकि भीड़ भाड़ ना हो और लोगों को इस बीमारी से जूझना ना पड़े। तो मैं इसी के साथ में राजकुमार कठुआ शहर से लोगों की राय जानने के लिए पहुंचा था, आगे भी हम लोगों की राय जानने का प्रयास करेंगे ताकि इस आवाज़ को हम प्रशासन तक पहुंचा सकें, सरकार तक पहुंचा सकें और लोग सुरक्षित रहें। और लोगों से भी अपील करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और घर से निकलने से पहले मास्क जरूर पहनें, चाहे वो आप 2 पहिया वाहन में हो, चाहे वो 4 पहिया वाहन पर हो, लेकिन ये जरूर समझें कि ये आपकी जान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सरकार के पास भी इतनी व्यवस्था नहीं है। अगर देखी जाए तो 21 लाख केस होना बहुत बड़ी बात है, और आने वाले दिनों में अगर
जिस तरह से कहा जा रहा है कि 12 तारीख तक वैक्सीन आएगी, लेकिन आपको बता दें कि ये 12 तारीख जो तारीख तक जो वैक्सीन आने वाली है ये आपको तक नहीं पहुंचने वाली, इसलिए सुरक्षित रहें, घर पर रहें। धन्यवाद, मैं राजकुमार शहर कठुआ से।